नेताजी का चश्मा। आज हम ये पाठ का पठन साथ में बीच में कठिन शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों को छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। किसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी कि कस्बा छोटा है, इसलिए उन्हें अच्छे मूर्तिकार नहीं मिले हुए होंगे, और उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि मूर्ति की लागत कितनी आएगी, बजट कितना है। इसी कारण से असमंजस की स्थिति रही होगी और काफ़ी समय तो चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी कि बजट और अनुमान की लागत, यानी मूर्ति बनाने में कितना पैसा लगेगा, इस कारण से काफ़ी समय बीत गया होगा, इसलिए किसी स्थानीय यानी लोकल व्यक्ति को ही यह काम दे दिया गया कि उससे मूर्ति बनवा ली गई। अब मूर्ति बनाने वाला यहाँ कौन है? कस्बे का इकलौता हाई स्कूल जो है, उसमें इकलौते ड्राइंग मास्टर हैं। मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, मास्टर जी को यह काम सौंप दिया गया जो ड्राइंग के मास्टर हैं, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी कि वो ये कह रहे थे कि एक महीने के भीतर वो मूर्ति को बना करके रख देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। यानी कि धड़ का हिस्सा ऊपर का सुंदर भी था। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। नेताजी का नारा था, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मूर्ति को देखने के बाद ये विचार मन में आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। क्या कसर थी? नेताजी चश्मा लगाते थे, लेकिन नेताजी की आंखों पर चश्मा बनाना भूल गया था कलाकार। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा गला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। हालदार साहब ने क्या देखा कि मूर्ति जो है
उस पर नकली चश्मा यानी असली फ्रेम का चौड़ा काला चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था, लेकिन पत्थर का नहीं था वो। तो यह देख कर के हालदार को कौतुक भरी मुस्कान यानी अचंभे की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने मन में सोचा, भाई यह आइडिया तो ठीक है, मूर्ति तो पत्थर की लेकिन चश्मा असली है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते ही रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहेब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, उन्हें कुछ फर्क दिखा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहेब का कौतुक और बढ़ गया। भा भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार उन्होंने देखा, फिर से नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, कौतूहल होता है जानने की इच्छा, दुर्दमनीय यानी उनसे रुका नहीं गया, दमन नहीं कर सके वो जानने की इच्छा का, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली पत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने बोला। क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, ग्राहक मतलब ग्राहक कस्टमर, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया यानी मूर्ति पे जो चश्मा लगा है वो ग्राहक को दे दिया और उधर दूसरा लगा दिया। अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आई, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है यानी दुखी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो जैसे ही उसे वैसे फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को कोई दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौंद थिरकी। कंधे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहेब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए,
कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, यानी पत्थर से कोशिश की होगी लेकिन पत्थर से बारीक चश्मा बन नहीं पाया, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, यानी अचंभित थे वो, अचंभित कौतुक यानी अजीब लग रहा था उन्हें। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए भी वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी उनका मुंह खुला का खुला रह गया, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, यानी कि क्या ये कोई फौजी है, क्या इसी का यही वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहेब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी कि कस्बे में धूल उड़ती रहती थी लेकिन चश्मे के कारण हालदार साहेब को कौतुक यानी आश्चर्य होता था, प्रफुल्लता यानी खुशी मिलती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ, मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहेब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में अवश्य ही
प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप ना रुकते रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे सी बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं।